नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। 3 दिसंबर दिन मंगलवार को दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को खेल कूद प्रतियोगिता, ट्राईसाइकिल रेस, दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के शुभारंभ पर जिले में दिव्यांगनों के कार्यरत संस्थाओं के दिव्यांग जन एवं स्टाफ के द्वारा मार्च पास्ट किया जा रहा है। यह आयोजन 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाला है। हर वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है परेड के साथ साथ, तो आने वाली 26 जनवरी को एक कार्यक्रम हमारे इन बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और अब हर वर्ष हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये कार्यक्रम का आयोजन, एक प्रस्तुति हमेशा फिक्स हो जाएगी इन बच्चों के द्वारा। वहीं दूसरी ओर जहां हैदराबाद की दरिंदगी से देश भर के लोगों में उबाल है, वहीं इंदौर के महू क्षेत्र में ऐसी ही एक दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है। 2 दिसंबर को महू तहसील में एक मजदूर परिवार की 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी जघन्य हत्या कर दी गई, जिस पर समाज के लोगों द्वारा इन अपराधियों को पकड़वा कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर तुरंत फांसी दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की गई है। पूरे देश में भय का माहौल है, माता बहने निकलने में घबरा रही है। इसी स्थिति में हम कल की घटना मऊ में हुई है, 5 वर्षीय बच्ची के साथ में माँ बाप के सोती हुई अवस्था में उसको उठाकर ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। तो ऐसे नारी पिशाचों को तुरंत गिरफ्तार कर उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, उनको शीघ्र से शीघ्र फांसी दी जाए, ऐसी मांग को लेकर हम आज SSP महोदया से मिले हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी ओर से जो जाँच में देरी होती है उसको जरा भी हम लेट नहीं करेंगे और तुरंत अपनी कार्रवाई करेंगे। जो मऊ में घटना हुई वो कहीं पुलिस की लापरवाही के कारण हुई या कि ये लगातार तीसरी चौथी घटना है मऊ में? मऊ का लापरवाही का आलम यह है कि अगर वहाँ अगर ऐसी लापरवाही नहीं होती तो पहली ही घटना के बाद इस पे रोक लग जाती, लेकिन लगातार कुछ क्षणों के अंतराल में हो रही ऐसी घटनाओं से जाहिर हो रहा है कि वहाँ लापरवाही तो कहीं ना कहीं हो रही है। इनकाउंटर की भी मांग की है आपने ऐसे लोगों? जी, हमने इनकाउंटर की मांग की है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में अगर सख्ती नहीं दिखाई देगी, अपराधियों में भय व्याप्त नहीं होगा तो कैसे कोई डरेगा अपराधी? उन्हें भी मालूम है कि अगर हमारे ऊपर कोई केस आता है, तो देखा हमने निर्भया में 7 साल तक अभी तक वो बचे हुए हैं, उनके ऊपर आज तक फांसी की सजा मुकर्रर है, लेकिन कुछ बाल भी बाका नहीं हुआ है। जिस तरह से यदि आरोपी पकड़ा जाता है तो क्या समाज उसका बहिष्कार करेगा? समाज उसका बहिष्कार करेगा ऐसी हम अपील करते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हर 15 मिनट में एक बहन के साथ में बलात्कार हो रहा है। 89-85 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं रोज बहनों के बलात्कार के, और 2713 एक महीने में बलात्कार की घटनाएँ हो रही है। इसलिए कड़े से कड़े निर्णय समाज को भी लेना पड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर से भी देना पड़ेंगे, और कानूनी प्रक्रिया भी फास्ट से फास्ट हो, ऐसी हमारी मांग है। आपका नाम? मेरा नाम है इंजीनियर संतोष कल्याण है, देश बचाओ संविधान बचाओ संयुक्त मोर्चा का जिला प्रभारी। 3 दिसंबर मंगलवार को जन सुनवाई में कई तरह के मुद्दे आए हुए हैं, जिनमें कुछ आर्थिक मदद, स्वास्थ्य समस्याएं, कुछ जमीनी विवाद, आपसी झगड़े, अन्य कई तरह की शिकायतों के आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें पुलिस कार्यवाही के लिए भेज दिया गया। साथ ही कुछ वृद्ध लोगों के भरण पोषण या संतानों से जिनकी समस्या है उनकी भी शिकायतें आई है। आज की जन सुनवाई में जो मुद्दे आए हुए हैं वो बहुत सारे तरह के हैं, जिनमें कई तो आर्थिक मदद के संबंध में है, स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में है, कुछ इलाज की समस्याओं के लिए, जमीन संबंधी विवादों के भी मुद्दे हैं, जिनमें कि किसी पट्टेदार की जमीन पर किसी अन्य ने कब्जा करने की शिकायतें हैं, कुछ आपसी झगड़ों की शिकायतें हैं जो पुलिस से रिलेटेड हैं वो भी आज प्राप्त हुई हैं, तो उनको हम लोग पुलिस को आगामी कार्रवाई करने के लिए भेज रहे हैं। तो इस तरह के विभिन्न मुद्दे प्राप्त हुए हैं, कुछ वृद्ध लोगों के भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि उनको भरण पोषण के संबंध में जो शिकायतें हैं या उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के बारे में हैं, उनके अपने संतानों से जिनको प्रॉब्लम है, इस तरह के भी केसेस आए हुए हैं। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा बताया है वहाँ के रहवासियों ने, जो मशीनों की आवाज़ों के कारण और उनके ग्राहकों के कारण उनको जो रात्रि में दिक्कत हो रही है, तो उसका परीक्षण कराएंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो और व्यापार भी चले, व्यापार मतलब व्यापारियों को भी तंग ना हो और रहवासियों को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, कहीं ना कहीं उनके ध्वनि प्रदूषण और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वहाँ पर जो उठने वाला धुआं है, जो व्यंजन वहाँ पर मनाए जाते हैं, उसका परीक्षण कराया जाएगा,
ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसा है तो उनको उनकी समस्या का निराकरण करवाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, रहवासी भी काफ़ी समय से वहाँ रह रहे हैं, उनकी भी उचित समस्या का निराकरण होना चाहिए। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें अखबार जगत।